नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ और आज मिथुन चक्रवर्ती का जन्मदिन है, यानी कि 16 जून का जन्मदिन होता है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया। इसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत दुनिया को छोड़कर गए हैं, उससे बॉलीवुड इंडस्ट्री और खासकर जो बॉलीवुड के जो लोग हैं, सिनेमा को चाहने वाले हैं, वो खास से कमज़दा हैं। और इसी का मद्देनज़र रखते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि कोविड को लेकर भी कहीं ना कहीं वो सतर्क हैं, कि इसलिए भी वो अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहते। लेकिन ज़्यादा जो उनको दुख है, ज़्यादा जो उनको परेशानी है, वो इसी बात को लेकर है कि सुशांत ने जिस तरह से आत्महत्या की, जिस तरह से उन्होंने दुनिया से जाने का फैसला किया, जो ऐसा वक्त नहीं था कि उन्हें दुनिया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो दुनिया से होकर चले गए। तो इसको लेकर काफ़ी दुखी हैं अमिताभ चक्रवर्ती। इसी को लेकर वो कह रहे हैं कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊँगा और वो खासा गमजदा हैं इस बात को लेकर। अब आने वाले दिनों में जो है मिथुन चक्रवर्ती खुद भी बड़े स्टार रहे हैं, खुद भी बड़े एक लेवल के कलाकार रहे हैं, वो भी ज़रूर अपने अनुभव को साझा करेंगे। जो नए युवा टैलेंट आ रहे हैं उनको ज़रूर मोटिवेट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात पूरी निकल कर सामने आ रही है, इसी को लेकर आ रही है कि डिप्रेशन में थे, फिल्में नहीं मिल रही थी। अगर मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो शुरुआत उनकी बहुत ही छोटी छोटी फिल्मों में हुई, छोटे रोल से हुई, किसी फिल्म में 2 मिनट का रोल, किसी फिल्म में और छोटा रोल, तो इस तरह की ज़िंदगी उनकी रही। लेकिन डिस्को डांसर के बाद उनका पूरा का पूरा जो था करियर वो बदलता चला गया। यही बात है कि अगर आप पेशेंस रखते हैं तो बड़े बड़े मुकाम आपको हासिल होते हैं। हो सकता है मिथुन चक्रवर्ती की ज़िंदगी से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिले, क्योंकि उनकी ज़िंदगी अगर आप देखें तो कोई शुरुआती में बहुत बड़े मौके उनके पास नहीं थे। और ये तक कहा जाता है कि डिस्को डांसर से पहले की ज़िंदगी उनकी बहुत ही परेशानियों में गुजरती थी, बहुत ज़्यादा उनके पास तंगहाली की ज़िंदगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेहनत करते रहे, लगातार जो है आगे बढ़ने का जुनून जोश दिखाते रहे और आखिरकार बड़ी बड़ी फिल्में उनके हिस्से आई। तो ये कुल मिलाकर बड़ी बात हो जाती है मिथुन चक्रवर्ती के जीवन से सीखा जा सकता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने जिस तरह से जो आत्महत्या की है, खुदकुशी की है, उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने भी फैसला किया है कि वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे और साथ में वो इस मौके पर कहीं ना कहीं दुखी हैं, वो उत्सव नहीं मनाएंगे। बिल्कुल ये बड़ा झटका है बॉलीवुड के लिए। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप इस राय से क्या इत्तेफाक रखते हैं, आप अपने कमेंट ज़रूर लिखकर भेजिए। और साथ में ये बताइए कि आने वाले दिनों में किस तरह के प्रोग्राम करें, किस तरह के प्रोग्राम आप चैनल पर लेकर आएँ। आप ज़रूर अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और लगातार बने रहिए। साथ में नमस्कार।